हेलो नमस्कार, आप लोग को फोन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी के एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सेट 9 को, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका पीडीएफ इसको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और इससे पहले का आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखो तो उसको जाके जरूर देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो है 47 वीडियोज़ अपलोडेड हैं बाई लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में है, तो उसको जाके अवश्य देखें, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको जवाब कीजिएगा। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ योर स्क्रीन सीइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आर्टिकल है जो पंचायत से संबंधित है, विच आर्टिकल रिलेटेड विद दी पंचायत। राइट आंसर इज दी आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इज द रिलेटेड टू दी पंचायत एंड आर्टिकल 51 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आर्टिकल 52 इज द रिलेट विद द प्रेसिडेंट। 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट वन, हरिप्रसाद चौरसिया इज अ फेमस प्लेयर। हरिप्रसाद चौरसिया अ फेमस प्लेयर टू फ्लूट, यानी हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं किसके, बांसुरी के। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले जो है कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन गॉट द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दैट्स राइट आंसर इज द विश्वनाथन आनंद इन 1992 बिटवीन गॉड्स इट। एंड राजीव गांधी खेल रत्न इस्टेब्लिश्ड इन द 1991 मेमोरी ऑफ द राजीव गांधी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। एंड फर्स्ट वन इन द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट इन सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट वन, हु इज़ द नेशनल सॉइल, व्हेन इज़ द नेशनल सॉइल डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मृदा दिवस, व्हाट्स द राइट आंसर, 3 दिसंबर इज द सॉइल डे एंड द 30 जनवरी इज द शहीद दिवस। चौबीस जनवरी बालिका दिवस एंड 12 अगस्त यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट वन, गुरु अर्जुन देव वॉज गिवन टू विच मुगल रूलर। टू विच मुगल रूलर टू डेड, यानी यहाँ पे जो मृत्युदंड दिया गया था उनकी बात की जा रही है। फनिश्ड टू मृत्युदंड, फनिश्ड टू डेड। विच रूलर, जहांगीर वॉज द गिवन आ पनिशमेंट टू डेड और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इज द फिफ्थ सिख गुरु एंड औरंगजेब आल्सो गिवन आ सिख गुरु 9th गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर इट्स हैंग ईस्ट हैंग ऑन हैंग डाउन बाय औरंगजेब, यानी गुरु तेग बहादुर को जो यहाँ पे हैंग डाउन यानी फांसी पर लटकाया गया किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और जहांगीर के द्वारा जो है मृत्युदंड किसको दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को।
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न पोस्ट थॉमसली, यानी मरणोपरांत। हु इज द फर्स्ट पर्सन गॉट द अवार्ड भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1951। 1954 because established in 1954. And who was the first posthumously मरणोपरांत? It's the right answer, the Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri is the right answer. Next one. When was the first census conducted in India? First census conducted in India 1872. वायसराय, लॉर्ड मेयो। एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आल्सो स्टार्टेड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग। कृषि विभाग की यहाँ पे बात की जाए तो वो भी यहाँ पे 1872 में ही स्टार्ट किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यहाँ पे पहली जो जनगणना शुरू हुई थी किसके? 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। अब यहाँ पे आपका नियमित रूप से जनगणना यानी आपका जो 10 वर्ष के अंतराल पर यानी जो अल्टरनेट होती है, गैप ऑफ 10 ईयर, यानी जो 10 वर्ष का अंतराल यहाँ पे होता है, जैसे आपने अभी देखा कि 2001 की जनगणना के बाद 2011, अब 2011 के बाद 2021, से जो दो यहाँ पे 10 की गैपिंग है ये आपकी कब से शुरू हुई थी? 1881 किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ही भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर क्या जनगणना शुरू हो गई। गैप यहाँ पे कितना है? 10 ईयर्स का। व्हेन वाज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? मौसम विभाग की बात की जा रही है, तो मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875। इसके जो यहाँ पे अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मुख्यालय, तो यहाँ पे किसमें? मौसम यानी आपका जो मेट्रोलॉजिकल बिल्डिंग है उसी में इसका हेडक्वार्टर, मौसम भवन में। कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, मेट्रोलॉजिकल बिल्डिंग न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिश्ड 1875। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मोबाइल बैंक इन द कंट्री? मोबाइल बैंक, कौन से राज्य ने सबसे पहले मोबाइल बैंक की स्थापना की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड अ मोबाइल बैंक इन द फर्स्ट इन कंट्री। हु फाउंड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829? सती प्रथा, सती प्रथा, तो इसको किसने ख़त्म किया था या इस पर जो है रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसकी सहायता से? हेल्प, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की सहायता से यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यहाँ पे जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। कॉल्ड दी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे संरक्षक की बात की जा रही है, तो संविधान का जो संरक्षक है किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट आपका है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आपके करंट में जो चीफ जस्टिस है उनको देखकर जाना है, करंट में जो आपको जजे को जी संख्या है उनको देख के जाना, जिसके नंबर ऑफ जजेज 33 + 1, 33 इज़ दी अदर्स
एंड दी वन इज दी चीफ जस्टिस, टोटल इट्स दी 34 एंड दी एम एन रमना, एम एन रमना वॉज दी करेंट चीफ जस्टिस. हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? सिटी ऑफ आगरा वॉज दी फाउंडेड बाई सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी फाउंडेड दी आगरा. नेक्स्ट वन, इन 1504 सिकंदर लोधी फाउंड आगरा. नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैड द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? इन्हें बीच में जो है सबसे पहले किस देश का संविधान बनाया गया था या लागू किया गया था, तो किस देश का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान, यहाँ पे वो भी आपको पता रहना चाहिए. वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विच कंट्री? तो यहाँ पे राइट आंसर इंडिया हो जाएगा. वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान किस देश का है, तो इंडिया का है. अगर यहाँ पे फर्स्ट जो आपके रिटन संविधान था किस देश का था, यानी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो किसका था? यूएसए का था, जिसको कब लागू किया गया था? 1789 में. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट, पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके द्वारा एक्सेप्ट जो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके द्वारा एक्सेप्ट जो किया गया था, एक्सेप्टेड 26 नवंबर 1949 एंड इज द स्टार्टेड टू 26 जनवरी 1950, यानी लागू किया गया. नेक्स्ट वन, हु फर्स्ट एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन? यानी महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा? फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता. तो राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा. अगर आपसे कभी पूछेगा हु कॉल्ड दी सुभाष चंद्र बोस फर्स्टली नेता आर लीडर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर. हिटलर कॉल दी फर्स्टली नेता सुभाष चंद्र बोस. एंड गांधी, महात्मा गांधी को महात्मा, महात्मा अगर आपसे पूछेगा कि हु कॉल्ड दी फर्स्टली टू महात्मा इन टू गांधी महात्मा टू गांधी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर. महात्मा गांधी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था. रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पे जो गुरु की उपाधि दी गई थी वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था. और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन के समय जो वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, बारदोली वुमेन्स. गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गिर राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही थी, किस राज्य में है गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कि यहाँ पे बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है. तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो कहाँ पे? गुजरात में. गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय पार्क है जो कि बब्बर शेर के लिए जाना जाता है. वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? इंस्टीट्यूट लोकेटेड वाट्स द राइट आंसर? इट्स राइट आंसर इज द फिलीपींस, मनीला. मनीला इज द राइट आंसर. वेयर इज द एडीबी हेडक्वार्टर? एडीबी हेडक्वार्टर कॉल इट्स द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक की बात की जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में ही. द पीरियड ऑफ द विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर? यानी हिंदी साहित्य का
स्वर्णिम काल। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल जो है किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट वन, हु इज द नोन एज द हर्मिट ऑफ शिमला? हर्मिट ऑफ शिमला, व्हाट इज द राइट आंसर? ए ओ ह्यूम कॉल्ड द हर्मिट ऑफ शिमला। ए ओ ह्यूम वॉज द इस्टेब्लिश द 26 December 1885 कांग्रेस। नेक्स्ट वन, बंकिम चंद्र चटर्जी वॉज द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ब्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। केप ऑफ गुड होप इज द एंड ऑफ दिस कंट्री। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड देन फर्स्ट वन अंडरस्टैंड इट्स एज लाइक इंडिया लास्ट पॉइंट इज द कन्याकुमारी। इट्स द लैंड लास्ट पॉइंट। इट्स द केप ऑफ गुड होप वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वन, हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ जौनपुर? यानी जौनपुर की स्थापना किसने की थी, यानी जौनपुर को किसने बसाया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जौनपुर में किसका मकबरा है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही क्या किया गया था? जौनपुर शहर को बसाया गया था, जो कि किस नदी के तट पर है? फटाफट बताइए, जौनपुर किस नदी के तट पर है? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो शहर हैं, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये आपके किसके हैं? गोमती के तट पर हैं, यानी गोमती के आपका यहाँ पे गोमती रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू विच द सन रेज कैन रीच इज कॉल्ड। यानी समुद्र की गहराई तक, जो अधिकतम गहराई तक यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? यूफोटिक कहा जाता है। यूफोटिक कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूफोटिक कहा जाएगा। एपिहेलियन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है अर्थ एंड सन मैक्स डिस्टेंस, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी थी, उसको क्या कहते हैं? एपिहेलियन कहते हैं या अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं, कितना होती है? 15-20 होती है। ओके, 29 आप ले लीजिए, 15-29 होती है। और ये जो आपका करोड़ किलोमीटर रहेगा, ये आपका करोड़ किलोमीटर में रहेगा। अगर पेरिहेलियन की बात करें 14.7 रहेगा, 14.7 करोड़ किलोमीटर रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, उपसौर। एपेजी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है अधिकतम दूरी की बात की जा रही है। और न्यूनतम जो हो जाएगा उसको उपभ्रंश कहेंगे, यानी पेरिजी कहेंगे। When was the first national emergency imposed in India? What's the right answer? Right answer is the 1972. Sorry, 1972 was the second one, and 1962. India-China War. Is first, and in 1972 was the India and Pakistan war, and in 1971 started its, and so that second one, यानी आपका 1971 में जो युद्ध हुआ था किसे, पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया से, शुरू हुआ था 1971 में, तभी इसको लगा दिया, जो कि जाके आपका 72 में समाप्त हुआ था। तो 1971 में जो शुरू हुआ था, तो उसी समय क्या हुआ था? नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। तो ये आपका रहेगा क्या? इंडिया और पाक हो जाएगा, यानी पाकिस्तान वार आप कह सकते हैं। और जो आपका थर्ड वन, उसको लगाया गया था 1975 में लगाया गया था। आंतरिक, मतलब यहाँ पे जो है हलचल के कारण आंतरिक असुरक्षा महसूस होने के बाद इंटरनल
डिस्टरबेंस के कारण जो इसको 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। किसके कारण? इंटरनल डिस्टरबेंस। नेक्स्ट है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हरप्पन कल्चर। फर्स्ट वन, इट्स द मांदा। हेयर इज द दैमाबाद। एंड इट्स द आलमगीरपुर। एंड इट्स द सूतकांगडोर। मांदा इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे उत्तरी जो बिंदु है, और सबसे जो दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका क्या है, वो आपका दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपका जम्मू कश्मीर यानी अब वर्तमान में जो आपका लद्दाख हो जाएगा। आलमगीरपुर की बात की जाए तो ईस्टर्न मोस्ट आपका हो जाएगा यानी जो कि आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे सबसे पश्चिमी पूछेगा यानी वेस्टर्न मोस्ट आपसे पूछेगा तो क्या रहेगा? सूतकांगडोर हो जाएगा। व्हेन डिड द मोफला रिवेलियन टेक प्लेस, यानी मोफला विद्रोह की बात की जा रही जो कि आपका केरला में हुआ था, कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1921 में। 1921 में क्या हुआ था? मोफला विद्रोह हुआ था, केरला में हुआ था। 1932 की अगर बात की जाती इसी समय जो पूना समझौता हुआ था, पूना फैक्ट हुआ था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द नूरजहां? इफ यू नो एवरीवन आज चाइल्डहुड नेम, इफ यू नो देन टेल्स कमेंट अस व्हाट्स द योर चाइल्डहुड नेम एंड समवन लाइक द ऑल टाइम एंड द ऑल हिज लाइफ्स कॉल्ड इट्स हिज और हर्स लाइफ्स कॉल्ड इट्स चाइल्डहुड नेम। व्हाट्स द राइट आंसर? नूरजहां चाइल्डहुड नेम वॉज द मेहरुनिसा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन से सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर तो अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी जरूर देखें। तो ये कोशिश रहती है कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वहाँ पे जो है ज़्यादा इंग्लिश की बोलने की, तो इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा परेशान नहीं होने की कोशिश करें। बाकी जो है उनको जो है मेन चीज़ क्या है कि नूरजहां के बचपन का नाम इसी प्रकार से उनको थोड़ा सा बता दिया जाता है, तो उससे जो उनको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे। फानी जमित आशीष सर, थैंक यू।